1800 करोड़ रुपए की ये रिश्वत कर्नाटक की यदुरप्पा जी की सरकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को आई। पूरे भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के भ्रष्टाचार का प्रथम दृष्टि से सबूत नहीं। लेकर अब पूरे भारतीय जनता पार्टी के सारे नेतृत्व पर 1800 करोड़ की रिश्वत के इल्जाम है। ये वो लोग हैं जो देश के सबसे बड़े पदों पर आसीन हैं। इंडिविजुअल लीडर्स का नाम भी इसमें है जिन जिन तक ये पैसा पहुंचा, यहां तक कि 250 करोड़ रुपया जजेस के लिए भी लिखा हुआ है। इस डायरी के हर पेज पर तथा कथित तरीके से येदियुरप्पा जी के दस्तखत भी हैं। क्या ये सच है कि झूठ कि 1800 करोड़ रुपए की ये रिश्वत कर्नाटक की येदियुरप्पा जी की सरकार से भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को आई? क्या ये सच है या झूठ कि 2017 से ये डायरी और इसकी सारी एंट्रीज जिस पर तथाकथित तरीके से बीएस येदियुरप्पा जी के दस्तखत हैं, ये देश के इनकम टैक्स विभाग के पास है? अगर ये सही है और अगर डायरी में कोई सच्चाई नहीं, तो मोदी जी से लेकर उनके सारे भाजपा नेतृत्व ने इसकी जांच क्यों नहीं करवाई? क्या ये सच है इनकम टैक्स विभाग से ने इजाजत मांगी सरकार से कि इसकी जांच ईडी और दूसरी एजेंसी से क्यों ना करवाई जाए? क्या ये सच है कि एक नोट लिखकर साइंड या अनसाइंड इस प्रकार की इजाजत मांगी गई? और क्या ये सच है कि मोदी सरकार ने इस डायरी की जांच करवाने से इनकार कर दिया? आईटी डिपार्टमेंट ऑफिशियल्स हैव ऑलरेडी प्रोब्ड द इश्यू टू फाइंड दैट द डॉक्यूमेंट्स एंड सिग्नेचर्स एंड हैंड रिटन नोट्स आर फॉर्ज्ड वन टू ऑल इश्यूज राइज्ड बाय कांग्रेस लीडर्स आर irrelevant and false. I am discussing with our senior advocates to file a defamation case against the concerned person also. Congress party and its leaders are bankrupt of issues and ideas. They don't have any development issues to discuss in public. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने देव शिव कुमार का स्टेटमेंट लिया और उनसे पूछा कि आप इसको ऑथेंटिकेट करते हैं, आपके पास इसकी ओरिजिनल कॉपी है? कहा नहीं है। अपने को बचाने के लिए इनकम टैक्स रेड में शिव कुमार ने यह डिफेंस का काम किया। उनसे पूछा गया कि आपने केस क्यों नहीं किया? कहा मुझे खुद इसकी ऑथेंटिसिटी के बारे में विश्वास नहीं है। विल द कांग्रेस पार्टी नाउ डू इट्स पॉलिटिक्स ओनली ऑन फॉल्स लाइज and misrepresentation?